मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम सम्मानीय परम श्रद्धेय और हम सबके चहेते आमदार माननीय श्री कृष्णा जी खोपड़े, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे जनमानस को अपने श्रीमुख से बधाई संदेश दें। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक मंडी समारोह में हमारे सबके नेता, वो केंद्रीय मंत्री, वो नागपुर के हमारे खासदार सम्माननीय नितिन जी गडकरी साहब, जिन्होंने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है और लगातार अनेक सालों से इस क्षेत्र के अंदर अनेक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ वो मंडी का भी कार्यक्रम हर साल लेते हैं, ऐसे हमारे सहयोगी रामदास जी शाहू मंच पर उपस्थित, हमारे सबके नेता प्रमोद जी पेंडके यहाँ पर उपस्थित, माझी नगर सेविका सरिताताई कावरे, मनीषाताई अतकरे, आभाताई पांडे, प्रदीप जी पोहाने, राजकुमार जी सेलोकर और सभी मंडी के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में, आज की संख्या बोले यानी हर मंडी से दो गुनी संख्या है, मैं सभी लोगों का मनपूर्वक स्वागत करता और अभिनंदन करता हूँ। यह जो रामदास जी ने जो अपनी समस्या यहाँ पर रखी है, यह सही है कि रामदास जी को पुराना अनुभव बड़े पैमाने पर है, क्योंकि पुराने जो थे ना उनके जमाने में ना रास्ते बने थे ना कुछ बना था, लेकिन जब से गडकरी साहब आए महाराष्ट्र के अंदर एक में कहीं स्मार्ट सिटी मिली होंगी तो अपने पूर्व नागपुर के यह भरतवाड़ा और पूनापुर पार्टी के भाग में मिली है। और 2018 में जब इसका भूमि पूजन हुआ, 10,000 के ऊपर लोग कार्यकर्ता नागरिक उपस्थित थे, उसके काम की शुरुआत हुई और दुर्भाग्यवश के 2019 में सरकार महाराष्ट्र की बदल गई और 2.5 साल के अंदर इस स्मार्ट सिटी को एक भी रुपया देने का काम यह पिछली महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं किया। फिर आज देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने और फिर से इस स्मार्ट सिटी के काम की शुरुआत यहाँ पर हुई है और लगभग अभी 15-20 दिन के बाद यह आचार संहिता, शिक्षक मतदार संघ की लगी है, यह आचार संहिता खत्म होने के बाद इसके 160 करोड़ रुपए के टेंडर इसके निकले हैं, उसके वर्क आर्डर भी अभी इस महीने के आखिरी में होंगे और अगले महीने इसके काम की शुरुआत होंगी। आप सबको मालूम है मैं जब यहाँ पर आता था तो रमेश जी बर्मन जी का एक एक घंटा में भाषण सुनता था, उनको इतना बुरा अनुभव पहले का था कि ये लड़के क्या करेंगे काम, लेकिन उनका भाषण सुन के भी मुझे जोश आता था। और आज इस विजयनगर के क्षेत्र के अंदर हमारे नगर सेवक यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस विजयनगर को टैंकर मुक्त करने का काम किया और आज 24 घंटे पानी अधिकांश क्षेत्रों में आने का काम सौभाग्य किसका है तो हमारे नेता नितिन जी गडकरी साहब का है। और इसीलिए यह स्मार्ट सिटी को जो चालन देने का काम अभी बड़े तेज गति के साथ हो रहा है, आप 2 साल रुक जाओ, 1-1.5 साल यह स्मार्ट सिटी आपको ऐसी लगेगी कि यह बर्डी भी पीछे छोड़ देंगी, इस प्रकार की स्मार्ट सिटी का काम इस क्षेत्र के अंदर होने वाला है। और इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमारे कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, उनका कार्यक्रम आप सबको देखना है, साहब को भी यहाँ पर आपको आपके सामने विचार रखेंगे, लेकिन मैं पूर्व नागपुर की जनता की ओर से रामदास जी शाहू और उनके सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मनपूर्वक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम मंडई के माध्यम से पूरे नागपुर शहर को एक संदेश देने का काम आपने निश्चित रूप से किया है, मैं मनपूर्वक आभार मानता हूँ। और आप विश्वास रखो, ये विजयनगर का पट्टा, ये विजयनगर का भाग साहब के फंड से हमने यहाँ पर शुरुआत किया था और साहब ने महाराष्ट्र की एक स्मार्ट सिटी लाने का काम अपने
भाग के अंदर किया है। आप विश्वास रखो, एक डेढ़ साल के अंदर यह स्मार्ट सिटी पूरी जगमग उठेगी। अभी साहब ने मेट्रो चालू किया है प्रजापति चौक से, लगातार अभी मेट्रो इतनी हाउसफुल जा रही है। आज एक साहब ने ऑर्डर दिया और 5-6 डब्बे उसको बढ़ा दो और मेट्रो तड़ाके से भगाओ। पार्डी ब्रिज भी अभी जल्द से जल्द अभी शुरू होने वाला, अगले महीने में पार्डी ब्रिज भी अपना शुरू हो जाएगा। पार्डी के अंदर अपना मार्केट भी, एयर कंडीशन मार्केट भी अपना बनने जा रहा है। अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तुम्हारे बाजू में ही पुलिस स्टेशन का काम शुरू हुआ है, फायर ब्रिगेड का काम शुरू हुआ है, अपने स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। मैं गिनाते बैठूंगा तो घंटा भर लग जाएगा, लेकिन इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से इस क्षेत्र का भविष्य बदलने का काम हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। और लेआउट वालों की तो चांदी चांदी हो गई यहाँ, जिनके लेआउट 300-400 रुपए फुट से नहीं बिकते थे। बराबर है रमेश वर्मन जी, कहां पर है? जिनके लेआउट, नंदा गौड़ी जी भी यहां पर है, जिनके प्लाट 300-400 से नहीं बिकते थे, अभी 2,000-2,500-3,000 के भाव के हो गए कि नहीं हो गए कि नहीं? कोई हमारा चेहरा देख के नहीं हुए, ये हमने कुछ करके बताया इसीलिए ये भाव बढ़े। और उनका भी भला करने का काम हमारे नेता गडकरी जी के माध्यम से हुआ है। फिर से मैं मनोपूर्वक आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और रामदास जी शाहू और उनके सभी पदाधिकारियों का मनोपूर्वक आभार मानता हूँ। धन्यवाद। सुनकर आपके प्रेरक वाणी को, सुनकर आपके प्रेरक वाणी को विजयनगर के लोग हर्षाए हैं और कुछ भाविक भक्तजनों के चेहरे में चमक आए हैं। धन्यवाद ज्ञापित कहाँ तक करूँ खोपड़े जी, धन्यवाद ज्ञापित कहाँ तक करूँ खोपड़े जी, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इतनी सुंदर प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय श्री गडकरी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन के साथ में सादर मंच समर्पित उद्बोधन के लिए। हमारे पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा जी खोपड़े, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय नगर सेवकगण, इस कार्यक्रम के आयोजक रामदास जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक मंडई समारोह इतना यशस्वी हुआ इसलिए रामदास जी को और उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ में अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, छत्तीसगढ़ का अपना एक संगीत है, अपनी एक कलाएं है, वहाँ का हैंडलूम, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। और मुझे खुशी है कि आज बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ आए और उन कलाकारों ने बहुत अच्छा संगीत का, गाने का, नृत्य का बहुत सुंदर आपके सामने प्रदर्शन किया। उन कलाकारों का भी मैं आप सब की ओर से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि रामदास जी ने बहुत सी मांगे बताई है, पानी आ गया है, कहीं 24 घंटे है, ड्रेनेज लाइन और रोड के काम करने हैं, कुछ बिजली की व्यवस्था करनी है, मुझे पता है। और अभी स्मार्ट सिटी के लिए मैंने कंक्रीट रोड के डिज़ाइन बदल दिए हैं और उसके कारण ज़्यादा रोड बनने वाले हैं, करीब 200 करोड़ रुपए के टेंडर निकले हैं और इस बस्ती में सीमेंट कंक्रीट के रोड बनने के कार्य का भी शुभारंभ हो जाएगा। आपको बिजली के साथ, रोड के साथ ड्रेनेज लाइन की भी व्यवस्था होगी और निश्चित रूप से यह बस्ती अच्छी बनेगी। इसके लिए पूरा सहयोग मैं भी करूंगा, महानगर पालिका NIT भी करेगी, कृष्णा भाऊ भी करेंगे, महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी हम पूरी मदद करेंगे, यही विश्वास आप सबको देना चाहता हूँ। ये बस्ती बदल रही है, अब मेट्रो शुरू हो गई है, अगले महीने फरवरी एंड तक पार्डी के पुल का काम पूरा हो रहा है, कंक्रीट रोड बन गए हैं और मेरा विश्वास है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
मैं रामदास जी से अनुरोध करूंगा, स्किल डेवलपमेंट के काम के लिए थोड़ा आगे आइए। हमारी महिलाओं को और युवाओं को जो जो उनमें क्षमता है वो कौशल्य सिखाने की कोशिश करिए। अगर वो हो जाएगा तो रोजगार आसानी से मिलेगा। अभी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, मिहान डेवलप हुआ है और मेरे 8 साल में 58,000 युवाओं को, जिनके नामों की सूची मैंने तैयार करके रखी है, उनको रोजगार मिला है। पर हर जगह कोई कंप्यूटर चाहता है किसी को, कोई ना कोई कला आती है, कोई ना कोई कौशल्य आता है। हमारे ही छोटे बच्चों को, युवा बच्चों को, भाई और बहनों को ये स्किल सिखाने की भी योजना रामदास जी आप बनाइए, उसमें भी हम आपको जरूर मदद करेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे मालूम है कि हमारे भाषण के बाद फिर से एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसका आनंद आप सब लोग लेना चाहते हैं। मैं फिर से एक बार आपको और कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी।